हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरवला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे IAS ऑडिट प्रोसेस और उसमें हम ऑडिट चार्टर के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने जाना था कि ऑडिट चार्टर टॉप लेवल डॉक्यूमेंट होता है, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट मतलब आप कहीं भी जाओगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात है या ऑडिट चार्टर की बात है, तो आप सोलली किसको आदमी को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? आप टॉप मैनेजमेंट को ठहराओगे। टॉप मैनेजमेंट के कुछ काम होते हैं, अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो टॉप मैनेजमेंट सही नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस पुअर है, तो उनमें से कौन सा काम है? एक रिस्क मैनेजमेंट का काम है। और हमने जाना था जैसे जैसे नीचे लेवल होता जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, हायरकी होती है, नीचे लेवल ऑफ हायरकी में काम एग्जैक्ट होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते चले जाते हैं वैसे वैसे अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जाती है। तो रिस्क मैनेजमेंट का काम जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होगा, ऑडिट चार्टर बनाने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होगा। तो कहीं पर अगर क्वेश्चन आए और वो पूछे कि ऑडिट चार्टर के बारे में पूछे, तो टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक लेवल वो बेसिकली क्या करेगा? चार्टर है, चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, UN का चार्टर, उसी तरीके से चार्टर है। चार्टर बेसिकली इंटेंट बताता है कि क्या इंटेंट है, उसके पीछे क्या चीज़ है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, कैसा इंटेंट? इंटेंट बताता है, और कैसा इंटेंट? स्ट्रेटेजिक इंटेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट इंटेंट बताता है। तो चार्टर ये बताएगा कि भाई क्या पर्पज़ है, ऑडिट फंक्शंस क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अथॉरिटी क्या होगी, रिपोर्टिंग क्या होगी, और ये सारी चीज़ें सीनियर मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा, ऑडिट फंक्शंस के बारे में डिसाइड करेगा। और कौन डिसाइड करेगा? सीनियर मैनेजमेंट, टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी भी, अकाउंटेबिलिटी होगी। और हमने ये जाना था कि पिछले सेशंस में हम ये पढ़ रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी तीन चीज़ें हैं। कहने का तरीका अलग है लेकिन वो आपको एक पर्टिकुलर गोल की तरफ बढ़ा रही हैं। हमने ये जाना था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिरिचुअल वर्ड है, सेंस ऑफ फ्रीडम देता है, एक आपको ये लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी पावर, आपके नीचे के लोगों को आप कंट्रोल करते हो अथॉरिटी के थ्रू। और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? कुछ लोगों का एक टीम बना देता है, टीम में एक ऊपर अथॉरिटी क्रिएट कर देता है, अथॉरिटी के साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है और अकाउंटेबिलिटी होती है। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, हमने ये जाना था कि सबसे पहले जो सबसे पहले चीज़ आई वो अकाउंटेबिलिटी थी। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर क्या होता था कि बहुत सारी फैक्ट्रीज होती थी और फैक्ट्रीज़ में लोगों को 20-20 घंटे काम कराया जाता था, 24-24 कई बार 20-20 18-18 घंटे काम कराया जाता था, बहुत इनह्यूमन कंडीशंस थी। तो क्या हुआ कि लोगों ने एकजुट होना स्टार्ट किया, उनके पास केवल अकाउंटेबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी नहीं होती थी। तो जब उन्होंने विद्रोह करना चालू किया और कई कई कंट्री रशिया सोशलिस्ट कंट्री बन गए, तो वहाँ से अथॉरिटी का प्रिंसिपल स्टार्ट हुआ। उन्होंने इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ आदमी रख दिए जाएँ जिनको थोड़ा सा, जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज ने कहा कि कुछ इंडियन को कंट्रोल करने के लिए कुछ राय बहादुर बना दिए उन्होंने, उनको कुछ अथॉरिटी दे दी कि तुम इंडियन को कंट्रोल करोगे और जो इंडियन को कंट्रोल करोगे वो थोड़े ऊपर हो जाएंगे। अथॉरिटी के बाद भी काम नहीं चला, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यानी कि अंग्रेज़ों ने फिर अल्टीमेटली कहा कि हिंदुस्तानियों तुम अपना राज खुद करो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको इंडिपेंडेंस दे दी और हमारी गवर्नमेंट दे दी और हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी एक ही तरफ ले जाती है हमें, कॉर्नर हैं। जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो आप दो चीज़ें बोलते हो, उसे बोलते हो मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है मुझे मिल रही हैं। आप कहते हो मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, जनरली ऑर्गेनाइजेशन कहता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा वर्ड है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्पिरिचुअल वर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेंस ऑफ फ्रीडम देता है, अथॉरिटी सेंस ऑफ पावर देता है। वो क्या करता है? दूसरे आदमी आपको पावर देता है कि आप दूसरे आदमी की फ्रीडम को लिमिट करो और ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल तक पहुंच सके। अकाउंटेबिलिटी बेसिकली क्या है कि आपसे कहता है भाई अकाउंटेबल हो। तो जो डॉक्यूमेंट है उसमें तीनों चीज़ होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ऑडिट फंक्शंस की क्या अकाउंटेबिलिटी है, कहाँ कहाँ वो अकाउंटेबल होगा, अकाउंटेबिलिटी के बिना कुछ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अगर आप कई बार लोग के पास जाते हो, बोलते हो कि जी मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दिया, आप अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करें, तो फिर काम नहीं होगा।
रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है आपकी, आप अपना काम तरह से रहे हैं, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी भी है, दोनों चीज़ें कहनी पड़ेगी, और साथ में ये अथॉरिटी भी है। इस अथॉरिटी के थ्रू आप चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऑडिट चार्टर एक टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक लेवल, फिर से बोल रहा हूँ, टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक लेवल डॉक्यूमेंट है, और उसमें मैनेजमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी दिखाता है, बताता है। उसके बाद क्योंकि इतने चेंजेस होते जा रहे हैं, हर 5 साल में आपका जनरेशन चेंज हो जाती है कंप्यूटर्स की, तो ऑडिट चार्टर पर्टिकुलरली आईटी से रिलेटेड उसमें चीज़ें होंगी, क्योंकि ऑडिट चार्टर तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट चार्टर होगा। तो आईटी भी आजकल है, आईटी होने की वजह से क्या है कि उसको पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा। एक चीज़ किसको करना पड़ेगा पीरियोडिकली रिव्यू? टॉप मैनेजमेंट को, सीनियर मैनेजमेंट को, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। वो उस ऑडिट चार्टर को पीरियोडिकली रिव्यू करेगा, उसकी इंडिपेंडेंस देखेगा, उसमें ऑडिटर को इंडिपेंडेंस मिल रही है कि नहीं, अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि नहीं जा रही है। पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक ब्रॉड टर्म है, वो इंडिपेंडेंस देखेगा वो मेंटेन हो रही कि नहीं हो रही, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। ऑडिटर की इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, और फिर वो ये भी देखेगा कुछ मिनिमम स्किल एंड कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, जो कि भी वो जो भी जिसका कंटिन्यूस अपडेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन होना चाहिए, टेक्निकली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन की आईटी एक्टिविटी के लिए क्योंकि आईटी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, स्किल और कॉम्पिटेंस होने की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा मैंडेट होना चाहिए, इससे क्लियर मैंडेट होना चाहिए ऑडिट चार्टर में, ये होना चाहिए कि अथॉरिटी दी गई है, ताकि वो उसकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन ना कर सके। कल की डेट में आपने वेग चीज़ें कर दी, तो कई बार कोई आदमी क्वेश्चन कर सकता है उन सबको कि ये अथॉरिटी है कि नहीं है, इसके बारे में पूछ सकता है, और उसमें चार्टर में अथॉरिटी होनी चाहिए। तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी तीन चीज़ होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमें पता चल गया कि क्या चीज़ें होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बोला बड़ी चीज़ें होंगी, तो मिशन एम स्कोप ऑब्जेक्टिव ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आप वो बताता है कि इसका मिशन ये है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ये है, इसके एम्स ये हैं, स्कोप ये है, ऑब्जेक्टिव ये है। आपको एक इंडिपेंडेंस दे दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है। और उसके अलावा मैंने क्या बोला, मिशन स्टेटमेंट एम्स स्कोप और ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो मेन चीज़ें हैं, मिशन एम्स स्कोप ऑब्जेक्टिव, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन की, इंडिपेंडेंस, ऑडिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जहाँ आप ऑडिट करने जा रहे हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ब्रॉड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ आपका एक रिलेशनशिप रहना पड़ेगा। आप इंटरनल आईटी ऑडिटर हो तो एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ आपको एक रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, आपकी नहीं सॉरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन को उस तरफ ले जा पा रहे हो कि नहीं ले जा पा रहे हो, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल होनी चाहिए। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्पेक्टिव में देख रहे हो कि यहाँ पर सेल्स इतनी करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, या ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्पेक्टिव में कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, लेकिन आपके प्रस्पेक्टिव में किया जाता है तो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। मतलब अगर उसमें प्रीडोमिनेंट, वैसे ये सब तीनों चीज़ें एक साथ मिक्स हैं, इसको इस तरह से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रीडोमिनेंट्स देखेंगे 80% या 90% क्या चीज़ है, किसका क्या सेंस आ रहा है, 50% 60% किसका सेंस आ रहा है, 60% भी सेंस आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैटेगराइज कर लिया जाएगा। तो बेसिकली हमारे ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चीज़ हो सकती है, अथॉरिटी में क्या हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी में क्या हो सकती है, ऑडिट चार्टर में क्या होना चाहिए। एक हल्का सा व्यू हमारे दिमाग में होना चाहिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा वर्ड है, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा वर्ड है,
रिस्पॉन्सिबल होना बहुत बड़ा वर्ड है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिशन, एम, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और इंडिपेंडेंस आएगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर KPIs, और जहाँ पर यह है कि इंडिविजुअल का अप्रेजल होगा वो अकाउंटेबिलिटी में आएगी। इंडिविजुअल लेवल पर जहाँ पर आ जाएंगे वो अकाउंटेबिलिटी पर आएगी, क्योंकि एक तो ऑर्गेनाइजेशन का आप वर्क देख रहे हो, आप देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, उसके लिए व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे करना है। इंडिविजुअल को अकाउंटेबल बनाया जाता है। इंडिविजुअल छोटा वर्ड है, इसके अलावा अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, रिस्क को असेस कर रहे हो, तो किसका काम है? हाई लेवल मैनेजमेंट का काम है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जा रही है। लेकिन वही रिस्क को मैनेज कर रहे हो, मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, तभी आप रिस्क को मैनेज कर पाओगे। उसके बाद स्कोप है, स्कोप क्या करता है? अथॉरिटी को लिमिट करता है, तो वो भी अथॉरिटी में आता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो भी पावर क्रिएट करता है, अथॉरिटी क्रिएट करता है। कई ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना के बराबर होता है, जैसे गूगल या क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत कम होता है और कम होना चाहिए, क्योंकि उससे क्रिएटिविटी बाहर आती है, तो वहाँ पर अथॉरिटी, सेंस ऑफ अथॉरिटी कम होता है, वहाँ पर सेंस ऑफ कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो अथॉरिटी क्रिएट करता है। उसके अलावा और भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन, बुक्स वो देख सके, कोई भी चीज़ एक्सेस कर सके। इवन अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट स्टाफ की ग्रेडिंग कर रहे हो आप, उसका एक वर्टिकली ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, तो अथॉरिटी क्रिएट कर रहे हो। फाइनली इसी अथॉरिटी से अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाएगी, लेकिन प्रीडोमिनेंस उसमें अथॉरिटी का है। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी होती है, अगर कोई अप्रेजल हो रहा है, अगर असाइनमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल है या पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल परफॉर्मेंस अप्रेजल है, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है और ये अकाउंटेबिलिटी है। ऑडिटी के राइट्स के लिए ऑडिटर अकाउंटेबल है। दो चीज़ें, ऑडिटी के राइट्स और दूसरा है ऑडिटी की रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स ऑडिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है, और उसके राइट्स कहते हैं मेरे ये राइट्स हैं, तो भैया मेरी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में एक कंपनी में जा रहे हो ऑडिट करने, उस कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी और कुछ वो एज अ मैटर ऑफ राइट दिखती होगी। जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो रिक्वायरमेंट्स क्रिस्टलाइज होंगी उनके राइट्स के टर्म पर, ये डिलीवरेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको देनी है उन्हें, लॉ मैंडेट करता है या कोई भी रीज़न है, तो वो अकाउंटेबिलिटी में आ जाएगी। अगर कोई स्टैंडर्ड्स है उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, तो वो अकाउंटेबिलिटी में आ जाएगी। असेसमेंट या बेंचमार्किंग या स्टैंडर्ड्स आपको अकाउंटेबल बनाने के लिए फोर्स करते हैं। आप बजट्स बना रहे हो, बजट्स बनाना एक मेथड ऑफ कंट्रोल है, वो भी अकाउंटेबल आपको बनाता है। आप पेनल्टी लगा रहे हो, मतलब एग्रीड एक्शन है, पेनल्टीज हैं, तो वहाँ भी अकाउंटेबिलिटी आती है। तो उसको फिर से एक बार समराइज करते हैं। ऑडिट चार्टर होगा, ऑडिट चार्टर स्ट्रेटेजिक लेवल डॉक्यूमेंट होगा, टॉप लेवल डॉक्यूमेंट होगा। अगर ऑडिट चार्टर ठीक तरीके से नहीं बनाया तो हायर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इसी से पर्पस डिफाइन किया जाएगा ऑडिट फंक्शंस का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिपोर्टिंग क्रिस्टलाइज की जाएगी। उसके अलावा क्या है कि ऑडिट चार्टर क्या करता है, बेसिकली ऑडिट चार्टर में आप ऑडिट के रिलेटेड चीज़ें देखोगे। आप ये देखोगे मिनिमम ये स्किल्स और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, आप ये दोगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये अथॉरिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, फ्रीडम की तरफ ले जाया जा रहा है, और ये आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना समझ के काम करो। तो बेसिकली आपको कौन ड्राइव करेगा, कैसे पता चलेगा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिशन, एम, गोल, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आपको बताएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से डिराइव होगी। आपके अंदर इंडिपेंडेंस होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर हो तो इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, वो भी एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर है, उससे क्या रिलेशनशिप है, ऑडिटी की क्या रिक्वायरमेंट है देखोगे। अगर ऑडिटी के राइट्स तो अकाउंटेबिलिटी में आ जाएगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगी। फिर मोटे तौर पर आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स देखोगे, की KPIs देखोगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखोगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता देंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट चार्टर में छपी होनी चाहिए कि क्या मिशन है, क्या एम्स है, क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फिर उसमें ये भी लिखा होना चाहिए ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट और की ये चीज़ें उसे डिस्क्लोज करना है, अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको डिस्क्लोज करना है, सो एंड सो फोर्थ। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। अथॉरिटी में क्या है,
अथॉरिटी में है कि आपको अथॉरिटी होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आप किसको रिपोर्ट करोगे, ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और आप किसको रिपोर्ट करोगे। उसके अलावा ऐसा IAS ऑडिट स्टाफ में भी ग्रेडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपका स्कोप में कोई लिमिटेशन तो नहीं, अथॉरिटी में कोई लिमिटेशन तो नहीं की जा रही है, इन्फॉर्मेशन की एक्सेस आराम से हो रही है कि नहीं हो रही है। इन्फॉर्मेशन की एक्सेस नहीं हो रही तो आपको अथॉरिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन को लेने की। रिस्क मैनेजमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दो चीज़ें हैं। रिस्क असेसमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट अथॉरिटी में आ जाता है। अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी में अप्रेजल करोगे, इंडिविजुअल अप्रेजल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल विजन डॉक्यूमेंट होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा, वो बड़ी चीज़ है। अब बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों एक ही चीज़ है। समय के अनुसार साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने के लिए ये पैदा कर दी गई हैं। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी में हम बहुत बार कन्फ्यूजन करते हैं। अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबल बनाती है। आपका बॉस आपको बुलाता है या कई बार झल्ला के बोलता है, आर यू नॉट अकाउंटेबल, यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस। वो डिक्टेटोरियल ट्रेंड शो करता है, लेकिन कोई थोड़ा अच्छा बॉस होगा तो वो पहले स्टार्ट करेगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेंस क्रिएट करती है कि आप अपने आप काम करो, आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम देती है। अकाउंटेबिलिटी एक स्लेवरी, एक बाउंड्री क्रिएट करती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी एक टूल है जो आदमी की साइक को समझकर बनाए गए और ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ जा सकें। अगर ऑडिट चार्टर बना रहे हैं तो ऑडिटर उन तीनों चीज़ को समझे और अपना काम सही तरीके से करे। कोई भी आदमी अपना काम सही तरीके से करे, हर तीन लेवल पर उसको ट्रीट किया जाता है। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल कहते हैं उसे। कहीं पर भी आदमी को ट्रीट करना है तो फिजिकल लेवल पर ट्रीट करो, मेंटल लेवल पर ट्रीट करो और स्पिरिचुअल लेवल पर ट्रीट करो। तो पहले क्या होता था, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती थी, फिजिकल लेवल पर अकाउंटेबिलिटी थी। अब अकाउंटेबिलिटी भी फिजिकल लेवल पर नहीं है। पहले क्या होता था, आदमी को मारा जाता था, पीटा जाता था जब वो किसी पुरानी 1800 या 1850 में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो मजदूर को चेन्स में रख दिया जाता था। इवन फिजिकल लेवल पर अकाउंटेबिलिटी थी, लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी थोड़े ऊपर लेवल पर आ गई। कई कई बार आपका बॉस बुलाता है, आपको डांटता है और फिर उसके बाद, और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहाँ पर इंडिविजुअल अप्रेजल होता है, वन ऑन वन होता है, एक आदमी के साथ बैठ कर बात करता है। तो बेसिकली क्या है कि आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिट करने जा रहे हो उसके राइट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट रिव्यूज, थर्ड पार्टी आपका रिव्यू कर रही है परफॉर्मेंस। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एक्सटर्नल ऑडिटर, हाँ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आपका रिव्यू करने लगे, आप अपनी रिपोर्ट बनाते हो, जनरली क्या होता है, स्टेट ऑडिटर को भेजते हो। एक इंटरनल ऑडिटर जनरली स्टेचुटरी ऑडिटर को भेजता है, लेकिन एक तरीके से वो रिपोर्ट देता है तो कई बार वो उसे यूज़ करता है, लेकिन जनरली क्या है, उस पर ऑफिशियल कमेंट नहीं देता है। अनऑफिशियली वो कहेगा कि ये सही है, नहीं है, जो भी चीज़ बोलेगा, लेकिन ऑफिशियल कमेंट नहीं देता है। तो वहाँ एक रिलेशनशिप है आपका स्टेचुटरी ऑडिटर से, एक्सटर्नल ऑडिटर से, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। लेकिन कई जगह पर क्या होता है कि थर्ड पार्टी आपके काम का रिव्यू करती है, वो अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है। अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सा पिंच करती है आपको अपने टूज में खड़े होने के लिए। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आप कह सकते हो। कैरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरेट की तरफ ज़्यादा है, स्टिक की तरफ ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, यानी डंडा या कैरेट, डंडा की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर आप इस टर्म्स में समझ में आओगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। आपको बस ये समझना है, ऑडिट चार्टर टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट चार्टर नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ऑडिट के बारे में पता चले कि ऑडिटर को क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अथॉरिटी, क्या अकाउंटेबिलिटी है, इंडिपेंडेंस के बारे में क्या बोलता है, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस हैं कि नहीं है। ये चीज़ है, ऑडिटर अगर जाएगा तो उसके पास स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए और हर एक की तरह स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक चीज़ एक्स्ट्रा होनी चाहिए जिसे इंडिपेंडेंस कहते हैं। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहली क्वालिटी उसकी इंडिपेंडेंस है, बायस्ड नहीं होना चाहिए। और हम क्या है, ऑडिट चार्टर में यही चीज़ करेंगे, इसको तीन भागों में स्प्लिट कर देंगे, उसे बताएंगे ये भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारी अथॉरिटी है और ये अकाउंटेबिलिटी है। अथॉरिटी ऑर्गेनाइज वर्टिकल पावर, अथॉरिटी जो है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, वो अथॉरिटी क्रिएट करते हैं, मतलब पिरामिडल, वो अथॉरिटी क्रिएट करते हैं।
आपके ऊपर आपका बॉस है, बॉस के अंदर 3-4 लोगों की टीम है या 5-7-10-20 लोगों की टीम है, उसके ऊपर का बॉस के पास और लंबी टीम है। तो इस तरीके से एक हायरार्की सी क्रिएट होती है। तो बेसिकली और इससे क्या होता है, हम 4 कॉर्नर्स क्रिएट कर सकते हैं और अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज़ करके हम अपने गोल की तरफ चलते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सिचुएशन हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की और अचानक ऑटोमेशन हो जाता है तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है, मशीन अपना काम कर रही होती है, वो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं समझती, वो अपने तरीके से काम करती है, लॉजिकली काम करती है। वहाँ पर लॉजिकल वर्ल्ड में आपकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वहाँ पर सब चीज़ पैरेलल होती है। अगर ऊपर भी होगी अगर तो वो वहाँ पर सेंस ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी, वहाँ कोई सेंस ही नहीं होगा, वहाँ काम हो रहा होगा, हर एक का काम डिफाइंड होगा, ऑटोमेटिकली वो काम चल रहा होगा, मशीन अपना काम कर रही होगी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लीजिए सब उस चीज़ें ऑटोमेट नहीं है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, कई चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ प्ले करना पड़ता है और फिर ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऑटोमेटेड है तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम कर सकता है। तो ये बेसिकली ऑडिट चार्टर है। ऑडिट चार्टर को आप इस टर्म्स में सोचेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ऑडिट चार्टर के अलावा आपका ऑडिट चार्टर तो टॉप मैनेजमेंट बनाता है। कई बार ऑडिट चार्टर वगैरह अगर नहीं हो तो आप जहाँ पर ऑडिट करने जा रहे हो, आईटी ऑडिट करने जा रहे हो, इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हो, आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। आप बोलना चाहिए स्कोप क्या है, स्कोप आपको वो जो डॉक्यूमेंट देंगे उसमें स्कोप क्रिस्टलाइज होगा, ये आपका स्कोप है। और बेसिकली आपको ये भी बता देना चाहिए कि टाइमलीनेस और डिलीवरी वो कब डिलीवर करेंगे, क्योंकि जैसा है कि बुक्स कब अवेलेबल कराओगे, कितने दिन में कराओगे, कब इन्फॉर्म करोगे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी और इन सब चीज़ों के टर्म्स में आपके आपका इंगेजमेंट लेटर बनना चाहिए। आप ऑडिटर हो, आप ऑडिट करने के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी में जा रहे हो और वहाँ पर एक इंगेजमेंट लेटर बना रहे हो और उस इंगेजमेंट लेटर में ये होना चाहिए, ये मैं सर्विस दूंगा, ये स्कोप है और इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे, बहुत देर में देंगे, परेशान करके देंगे, घुमाएंगे और वो उसमें ही अपनी जीत समझते हैं, क्योंकि वो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते। तो अवेलेबिलिटी और सही टाइम पर अवेलेबिलिटी ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बता दो कि भाई टॉप मैनेजमेंट को हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट एस्टिमेट या बजट्स अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। आप कहोगे जी ये कॉस्ट एस्टिमेट हैं, ये बजट्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो प्रॉब्लम रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा, अगर कम्युनिकेट करना है तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपको कम्युनिकेट कर देनी चाहिए। फाइनली जो IAS ऑडिट फंक्शन है वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा। उसकी इंडिपेंडेंस बरकरार करना बहुत ज़रूरी है, उसकी इंडिपेंडेंस बरकरार करना बहुत ज़रूरी है, तो वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा। ऑडिट कमेटी टॉप लेवल कमेटी होती है, स्ट्रेटेजिक कमेटी होती है, स्ट्रेटेजिक पावर्स होती हैं। और अगर आप ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर रहे हो तो ऑडिट कमेटी जनरली क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसको इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं लोग, वो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देगी। तो IAS ऑडिटर ऑडिट कमेटी को बताएगा, ऑडिट कमेटी जो है फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन देनी है देगी। तो बेसिकली IAS ऑडिट फंक्शंस जो है, अगर ऑडिट कमेटी नहीं भी है तो इस तरीके से होना चाहिए कि उसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन हो सके। अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी आप लेकर आ रहे हो, बाहर की कोई एजेंसी लेकर आ रहे हो, तो वहाँ भी देखना चाहिए, इंटरेस्ट तो नहीं है किसी का। तो ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी ये सारी चीज़ें, ऑडिट कमेटी को ही रिपोर्टिंग होनी चाहिए।
अगर ऑडिट कमेटी है, नहीं है तो फिर आपको इंडिपेंडेंस उसकी मेंटेन करनी चाहिए। बेसिकली क्या है, उसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी चाहिए। बेसिकली ऑडिट चार्टर बना के क्या किया आपने, बहुत सारी चीज़ें इंडिपेंडेंस मेंटेन करने की कोशिश की। एक ऑडिटर आएगा, ऑडिटर ये देखेगा, ऑडिटर का एंगेजमेंट लेटर होगा, उसके अलावा ऑडिटर का चार्टर होगा, तो वो कहेगा कहीं पर भी कोई चीज़ हो रही होगी तो वो कहेगा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर ये बोलता है, तुम ये कर क्या रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ऑडिट चार्टर का मतलब ये है कि उसके पास मैंडेट है सीनियर मैनेजमेंट का कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ें अकाउंट, कुछ चीज़ें फॉलो होनी है उसी तरीके से। तो वो क्वेश्चन कर सकता है एम्प्लॉयज़ को कि भाई आप अपने सीनियर मैनेजमेंट की बात नहीं कर मानते हो, ये ऑडिट चार्टर है आपका। तो ऑडिट चार्टर हेल्प करता है, ऑडिट चार्टर बनाने के बाद सीनियर टॉप मैनेजमेंट ऑडिट चार्टर बनाएगा, उसके बाद आपका ऑडिट कमेटी हो सकती है। ऑडिट कमेटी जो है ऑडिट का काम देखेगी, वो स्पेशलाइज करती है बेसिकली, ऑडिट कमेटी इन सब चीज़ों में स्पेशलाइज करती है, उसको पता है ऑडिट के बारे में। कई बार टॉप लेवल मैनेजमेंट में उतना स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, तो एक पर्टिकुलर ऑडिट कमेटी बना दी जाती है, पर्टिकुलर कमेटी बना दी जाती है जिसमें वो बंदे रखे जाते हैं जिनमें उतनी कैपेबिलिटी है, और फिर धीरे धीरे उसका एक ऑडिट कमेटी कुछ दिनों बाद कुछ इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो अपने अधिकार मांगने लगती है, वो कहने लगती है कि भाई आप हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस दो, और एक कल्चर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। वो इंश्योर करती है ऑडिट कमेटी अगर कोई इंडिपेंडेंस वायलेट हो रही है तो वो इंडिपेंडेंस लाने की कोशिश करती है। तो इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑडिटर के लिए बाकी ऑडिट चार्टर बने, एक तो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट चार्टर होना चाहिए और साथ में ऑडिट कमेटी भी होनी चाहिए, और ऑडिट चार्टर में आपका इंडिपेंडेंस के बारे में होना चाहिए, स्किल कॉम्पिटेंस के बारे में होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिरिचुअल चीज़ है, सेंस ऑफ फ्रीडम देती है, आपको बताती है कि आप अपने तरीके से काम करो, लेकिन बेसिकली क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक अच्छी तरीके से काउस्ड चीज़ है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी बेसिकली क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रही है, अ सॉर्ट ऑफ डायरेक्टिव कंट्रोल है। दिख नहीं रहा है जब अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हो कि ये डायरेक्टिव कंट्रोल है, लेकिन वो डायरेक्टिव कंट्रोल ही है बेसिकली। अगर आप अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो तो एक डायरेक्टिव कंट्रोल कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट आउट करने की कोशिश कर रहे हो अकाउंटेबिलिटी की वो करके, बजट्स बना रहे हो, लोगों के अप्रेजल कर रहे हो, और अथॉरिटी क्रिएट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक बंदा बना दिया जो नीचे की चेन को कंट्रोल करे और उसे ऑर्गेनाइजेशन के एक डायरेक्शन में लेकर जाए। थैंक्स।